और जितना स्टे की तरफ अभी हम बढ़ेंगे उतने व्यूज अच्छे होते जाएंगे। दूसरे स्टे की ओर हम आपको ले चल रहे हैं। वाई ये प्रॉपर्टी के सामने चाय की चुस्की लेने का एक अलग आनंद आएगा। डिटेल भी बताएंगे कि यहाँ पे क्या कितने रुपए का है, क्या चार्जेस हैं, कैसे पहुँच सकते हैं। इधर भी होता है कैंपिंग वगैरह, ये कैंपिंग करने की जगह जंगल के बीचों एकदम जंगल के बीचों बीच अंदर से वो गेस्ट वगैरह रुके हुए हैं। गार्डन एरिया है। अच्छा, आपकी बॉनफायर के लिए जगह है। बॉनफायर सामने वैली का व्यू, वो सामने भी होता है बॉनफायर। ये ऊपर से इस प्रॉपर्टी का व्यू आ रहा है, ये देखिए। अगर आप इस प्रॉपर्टी पे रुकना चाहते हैं, बिल्कुल आइसोलेटेड प्लेस है। अभी हम तीसरे होम स्टे जा रहे हैं। इन जंगलों के बीच से रास्ता है हिमालय की गोद में। सोलो ट्रैवलर्स के लिए थोड़ा कम रिकमेंडेड है मेरी तरफ से। हम सोलो ट्रैवलर हैं बट हमको ऐसी जगह पसंद आती हैं। हम पहले गांव वालों से सब पूछ लेते हैं कि क्या रास्ता सुरक्षित है कि नहीं, अपने सारे प्रिकॉशंस लेने के बाद तभी हम जाते हैं। तो सोलो ट्रैवलर्स के लिए आप अपने विवेक, स्वतः विवेक के अनुसार आएँ, और बाकी फैमिली के साथ अगर ग्रुप बड़ा है तो आप इजीली इस स्टे में जो आपको हम दिखाने जा रहे हैं यहाँ पे आप जा सकते हैं। कोजी सा स्टे है और इन घने जंगलों के बीच में है ये स्टे। ये जंगल है चारों तरफ, रिजर्व फॉरेस्ट एरिया है, इन जंगलों के बीच है ये दूसरा स्टे। पगडंडी के सहारे आपको आना पड़ेगा पेडोंग से। इनका भी कॉन्टैक्ट नंबर हम आपको दे देंगे, गूगल लोकेशन भी है, ये आपको रिसीव करने भी आ जाएंगे। और जितना स्टे की तरफ अभी हम बढ़ेंगे उतने व्यूज अच्छे होते जाएंगे। ये कुछ स्टेज तो यहाँ पे भी हैं और एक स्टे थोड़ा और आगे जाके है, बिल्कुल आइसोलेटेड, शोर शराबे से दूर। हालांकि ये जगह खुद भी साइलेंट वैली में है तो यहाँ पे शोर शराबा है भी नहीं। दूसरे स्टे की ओर हम आपको ले चल रहे हैं। बेड टाइम स्टोरीज इस स्टे का नाम है। हेलो, गुड मॉर्निंग। अभी यहाँ पे सर लोग मेरे लिए थोड़ा तकलीफ उठा रहे हैं और मैगी तैयार कर रहे हैं। थैंक यू। इसको मैगी नहीं बोलते, इसको वाई बोलते हैं। वाई हाँ, इसका टेस्ट थोड़ा मतलब मसाला थोड़ा टेस्टी होता है। अच्छा, वेज ही होता है ये भी? मतलब मैगी जैसा, ये नाम अलग है। अच्छा, वाई वाई। लेकिन पहाड़ आके ना हम लोग को ये इसका टेस्ट अच्छा लगता है, मैगी अच्छा, से भी ज्यादा। अच्छा, ये रॉ वाइब्स हैं पहाड़ों की, खाने के लिए हमको मिल गया। इस गरीबी में कुछ तो भैया ने मदद की मेरी और भूखे को अन्न खिलाया। ये प्रॉपर्टी के सामने चाय की चुस्की लेने का एक अलग आनंद आएगा अगर आप यहाँ पे स्टे करेंगे। और सर की प्रॉपर्टी बहुत अच्छी है, आप दिखाइए दिखाइए यहाँ से इसको। ये बहुत प्यारी प्रॉपर्टी है, नेस्टेड इन द हिमालयाज। और ये देखिए, और सामने खूबसूरत फूल भी खिले हुए हैं जिसकी महक आपको दिन भर जंगल्स की महक भी आएगी। और ऐसे ही आपको ये लोग चाय भी प्रोवाइड करेंगे जिसका आप आनंद चाय, मैगी या वाई वाई जो भी कह लीजिए उसका आनंद भी ले सकते हैं। अब यहाँ की डिटेल भी बताएंगे कि यहाँ पे क्या कितने रुपए का है, क्या चार्जेस हैं, कैसे पहुँच सकते हैं। तो अभी सर से मिलते हैं और बताते हैं। तो अभी मिलते हैं यहाँ के ओनर से जो आपको बताएंगे प्रॉपर्टी की डिटेल। एक्चुअली हमारे यहाँ आने के लिए आपको सिलीगुड़ी उतरना होगा या फिर एनजीपी भी उतर सकते हैं। एनजीपी उतर के आप
आपको आना पड़ेगा पानी टैंकी, उधर से आपको मिलेगा शेयर कार कालिम्पोंग जाने के लिए। उसके बाद उसका चार्जेस क्या है? वो 10 या 20 रुपया लेता है। अच्छा ठीक है। तो उसके बाद आपको पानी टंकी से आना है कालिम्पोंग शेयर में, और उसके बाद आपको कालिम्पोंग से पेडोंग का शेयर कार लेना है। तो पेडोंग का शेयर कार आपको 80 रुपीज लेगा, आपको उतारेगा सिलेरी फाटक तक। सिलेरी फाटक से आप वॉकिंग भी आ सकते हैं, आप अगर पूछे तो हम लोग प्रोवाइड भी करते हैं, कार भी भेज देते हैं। एनजेपी या सिलीगुड़ी या बागडोगरा कहीं से भी पिकअप एंड ड्रॉप सर्विस अवेलेबल है। पहले तो आप इस प्रॉपर्टी का नाम बताएं। हमारा नाम है बेड टाइम स्टोरीज। हमने ये सोच के रखा था कि लोग आएंगे इधर सुकून से रह सके। तो आप यहाँ पे कैंप भी प्रोवाइड करते हैं? हाँ, एक उसका कोई चार्ज नहीं है आपने बताया? नहीं नहीं, अलग से कोई चार्जेस नहीं लगता है। तो ये कैंप आप यहाँ पे जंगल में करते हैं है। या सामने भी करते हैं ऊपर से, और क्लियर व्यू दिखेगा। अच्छा, आइए। कोई एनजीपी से पानी टैंकी जाना है पहले, वो 20 रुपया टोटो का लेता है। उसके बाद आपको कालिम्पोंग आने में 180 to 200 ये अप एंड डाउन होता रहता है। और उसके बाद वो 80 रुपीज लेता है कालिम्पोंग टू पेडोंग का जो शेयर है, वो आपको सिलेरी फाटक उतर देगा। आप किसी को भेज भी सकते हैं, किसी पर्सन को जो पैदल भी ला सकते? हाँ हाँ, पैदल भी ला सकते हैं, उसका कोई चार्जेस नहीं है। यहाँ पे कैंपिंग करने की जगह है? यहाँ पर कैंपिंग करने की जगह है, ये सामने वाला प्रॉपर्टी भी है। अच्छा, इधर भी होता है कैंपिंग वगैरह। ये कैंपिंग करने की जगह जंगल के बीचों बीच, एकदम जंगल के बीचों बीच। और दिखाइए अपने रूम्स। और ये क्या है, ये वाला एरिया? ये सिटिंग एरिया हमने बनाया हुआ है। इधर एक्चुअली काम भी चल रहा है थोड़ा बहुत। इधर टेंट अभी लगा हुआ है, लेकिन ये टेंटिंग का जगह नहीं है, ये एक्चुअली सिटिंग एरिया बनेगा। इधर बुक्स होंगे, इधर गेमिंग सेक्टर होगा। अच्छा। और ये पूरा पेंट वेंट करके हम लोगों का कुछ अलग सा प्लानिंग है। इसके चार्जेस के बारे में थोड़ा डिस्क्राइब करिए। अच्छा, पहले तो हमको ये बताइए कि कोई कॉन्टेक्ट कैसे करे, अपना नंबर पहले आप बोलिए। 7686037907 और 9163656290। ये दो नंबर में आप हम लोगों से कोई ऑनलाइन बातचीत कर सकते हैं। कुछ ऑनलाइन हमारा तो वेबसाइट अवेलेबल है, गूगल लिस्टिंग भी किया हुआ है। बेड टाइम स्टोरीज होम स्टे लिखने से पूरा डिटेल्स में चला आता है, वेबसाइट में हर डिटेल्स प्रोवाइडेड है। और रूम के चार्जेस देखिए, हमारा यह तो पर डे पर हेड बेसिस होता है। पर हेड? हाँ, पर डे पर हेड बेसिस में हम लोग चार्जेस करते हैं, क्योंकि ये ऑफबीट है, इसलिए इधर तो वो अवेलेबिलिटी नहीं है ज़्यादा। अगर हम लोग फूड नहीं प्रोवाइड करेंगे तो दिक्कत हो जाएगा जी। ये रूम्स है, ऑल रूम्स आर ऑक्यूपाइड नाउ। तो वो भी अंदर से नहीं दिखा सकते क्योंकि ऑक्यूपाइड है। हाँ हाँ हाँ, अंदर से वो गेस्ट वगैरह रुके हुए हैं, इसलिए हम दिखा नहीं पा रहे हैं। यहाँ पे आप चाय वाय? ये हमारा गार्डन है, शेड लगा हुआ है, ये जंगल के बीच में गार्डन एरिया है। अच्छा, इधर गेस्ट लोग बैठते हैं, खाते हैं, खाने के लिए ये जगह है। किचन आपका दिस वे किचन जी सर, ये किचन है आपका? हाँ, ये किचन। ये आपकी बॉनफायर के लिए जगह है? बॉनफायर सामने वैली का व्यू दिया, वो सामने भी होता है बॉनफायर, लेकिन अगर अलग अलग 2-3 गेस्ट आ गया तो उन लोगों को अलग अलग बैठना अगर चाहे तो हमने 3-4 जगह ऐसे सेटअप करके रखा हुआ है। इस जगह का नाम है दोखियांग 2। ये दोखियांग 2 में पड़ता है, ये पेडोंग से 5 किमी है और सिलेरी से ये 3 किलोमीटर है। अच्छा। और हम अलगाड़ा से ये 4 किलोमीटर है। 1200 करके अगर 4 पैक्स हो, अगर 4 आदमी हो तो हम लोग 1200 में ये प्रोवाइड करते हैं अभी। पर हेड पर डे एंड फूडिंग शामिल है? हाँ, उसमें 4 टाइम्स फूडिंग भी शामिल है और रहना घूमना सभी। अच्छा, मान लीजिए, ये मेरा एक क्वेश्चन है जो मैं भी दर्शकों का भी हो सकता है। हाँ, हाँ। कि मान लीजिए किसी वजह से आपकी फूडिंग ना पसंद आई, मान तो क्या फूडिंग ना लेने पे कुछ डिस्काउंट भी? हाँ हाँ हाँ, वो भी होता है, लेकिन एक्चुअली ये दिक्कत ये हो जाएगा लोगों को कि ये तो पूरा ऑफबीट है, तो फूडिंग नीचे अवेलेबल है, लेकिन उन लोगों को जाना पड़ेगा।
कस्टमाइज्ड हो सकती है फूडिंग, जैसे वो कहें कि कुछ ऐसा बना। हाँ हाँ हाँ, वो भी हो सकता है। ऐसा कुछ ऐसा नहीं है कि ऐसा ही ऐसा देंगे? नहीं नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं है। ये पूरा होम स्टे के जैसा ही चलता है, ये पूरा होमली एटमोस्फियर हम प्रोवाइड करते हैं। एक आपने 1200 रुपए रेट बताया पर हेड। हाँ हाँ, पर डे पर हेड और फोर पैक्स, मतलब चार लोग मिनिमम होने चाहिए। और कम है तो? कम है तो 1500 करके लगता है विद फूड एंड स्टे सब। अभिषेक मंधानी मेरा रेफरेंस देते हैं, यूट्यूब आईडी देते हैं, कुछ ऐसा डिस्काउंट जो आप दे सकते हो? एकदम एकदम, हम ऑफ कोर्स आपसे इतना हम गुल मिल गए हैं तो हम जरूर करेंगे, 20% तक हम डिस्काउंट कर देंगे। थैंक यू फॉर दिस नाइस जेस्चर। तो अभी आपने देखा कि मेरे चैनल से जुड़ने से कुछ फ़ायदे भी हैं। ये ड्राइवर वगैरह के लिए भी है, कोई कार से आता है तो इसका कुछ एक्स्ट्रा चार्ज देना होगा? इसका तो 300 रुपीज तो ओनली स्टे का हम लेते हैं। अच्छा, और मान लीजिए कोई सोलो ट्रैवलर है लड़का, उसको कोजी नहीं चाहिए और केवल रहना चाहिए, तो क्या वो उसमें रह सकता है? हाँ हाँ हाँ, इसी चार्ज में जो आपने बताया? हाँ, वो विदाउट फूड है ना? हम ठीक है, वो तो टेंटिंग वगैरह भी हमारा अवेलेबल है, वो तो हम एकोमोडेट तो कर ही देंगे, हमारा इधर बहुत जगह है उसी रेट पे जो आपने अभी बताया। तो आपको पूरी डिटेल मिल गई है, इनका कॉन्टेक्ट नंबर भी शेयर कर दिया है। मेरी इंस्टा आईडी है अभी AB मंधानी, फेसबुक आईडी है अभिषेक मंधानी। तो किसी भी तरह के असिस्टेंस के लिए आप मुझे भी मैसेज कर सकते हैं, जो मैं इन तक अपनी बात पहुंचा दूंगा। तो थैंक यू ये व्लॉग देखने के लिए और इतनी प्यारी प्रॉपर्टीज़ में आपको रुकाने के लिए, एक आपको मेस्मराइजिंग एक्सपीरियंस देने के लिए आप मेरा धन्यवाद बाद में कर दीजिएगा। थैंक यू। ये ऊपर से इस प्रॉपर्टी का व्यू आ रहा है, ये देखिए। अगर आप इस प्रॉपर्टी पे रुकना चाहते हैं यहाँ पे कैंपिंग करने का भी आनंद उठा सकते हैं आप, बिल्कुल आइसोलेटेड प्लेस है। यहाँ तक कार भी आपको ला सकती है, यहाँ तक कार आती है, तो उसके लिए निश्चिंत रहें।